केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। आप तो कैंप करा रहे हैं जी सर, कैंप के साथ साथ आप भी चेकअप कर लिया करा लिए? हाँ जी सर। क्या बोलना चाहेंगे सर? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे आज 140 पर नौवीं कैंप यहाँ पर हो रही है। हमारी टीम यहाँ पर आकर जो केवी न्यूज़ के जरिए से आज जो हमारी यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की कैंप चल रही है, आज हमें वेकअप इंडिया और केवी न्यूज़ की जानिब से आज जो हमारी कैंप 140 पर नौवीं कैंप हमारी आज यहाँ हो रही है। पिछले यहाँ पूरे खून और बीपी हर तरह के टेस्टिंग यहाँ पर चल रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे आंख के ऑपरेशन जो है लेंस यहाँ पर फ्री डाला जा रहा है। ये इसलिए हमें यहाँ खुशी हो रही है कि तमाम यहाँ पर मिलकर आप जो भी जो मीडिया वाले सब यहाँ पर मिलकर आके हैं, जो हमारे टीम के जितने भी हमारे सदर नूर मोहम्मद मर्चेंट साहब, शौकत साहब और कुरम साहब और हमारे सनाउल्ला साहब और हमारे मुदस्सिर साहब यहाँ पर जमकर हमारे साथ में हमारी टीम का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए मैं खुशी से मैं आज बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी कैंप यहाँ चल रही है। मैं आज हमारे तमाम जो जितने भी मेरे यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथियाँ हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी टीम मिलकर आज ये 140 पर नवी कैंप हमारी यहाँ पर चल रही है। आप तमाम मिलकर दूसरे और भी ज्यादा हमारे चलाने की कोशिश करें। हमारे 3,700 ऑपरेशन हमारे आज तक हुए हैं, तो आज हमारे और दोबारा हमें यहाँ कितने होते हैं देखकर इसके बाद में हमारी 150वीं कैंप हमारी दोबारा होने वाली है। आप तमाम हजरात से मैं आजिजाना गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारी हिम्मत अफजाई करें, क्योंकि ये फ्री कैंप में हर तरह हर गांव में फिरकर हमें कैंप चलाते हैं। तो हमारी टीम, हमारे सदर सेक्रेटरी, हमें ऐसा हमारे पास ये नहीं है कि हमारी टीम के अंदर पूरी टीम एकता होकर हमें काम करते हैं। इस कैंप का टाइम क्या क्या है सर? सर हमारे इस टाइम का कैंप का टाइम सुबह 9:30 से दोपहर 2 बजे तक हम ये कैंप चलाते हैं। जो भी जो कैंप में सिलेक्ट होते हैं उनके लिए हमें कैरा स्पिल ले जाते हैं, ले जाकर वहाँ पर लेंस का इंतजाम किया जाता है। हमें वहाँ पर लेंस जलाकर दोबारा यहाँ से ही ले जाते हैं और दोबारा यहाँ पर ही लगाकर छोड़ते हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है इस खिदमत के लिए चुना। साथ ही साथ मैं यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट और यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर वालों का भी बेहद शुक्र गुजार हूँ कि जिन्होंने जो है हर वक्त वेकअप इंडिया का ताउन किया है और हमारे साथ जुड़कर हमारे काम में हाथ बटाकर लोगों की सेवा करने का जो बेड़ा हमने उठाया है उसमें वो तमाम जो है वो पूरे शरीक है हमारे साथ। दूसरी बात यह है कि मैं आज इस कैंप के बारे में कहूँ तो मैं जिस जगह हम खड़े हैं वो जगह मोहम्मद हनीफ नाम के शख्स की है, जिन्होंने मेरी बात पर जो है यहाँ की जो मुझे चावी दी और यहाँ पे जो हम लोग बगैर किसी पैसे दिए हुए इस ग्राउंड पे कैंप कर रहे हैं अजीज से डबल रोड पर, मैं हनीफ साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ।
दूसरी बात यह है कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने वॉलंटरी तौर पर जो है हमारी यहां जो है हमारा ताउन किया है। मैं साथ साथ यहां के अतराफ के जो भी कॉर्पोरेटर्स थे उन तमाम लोगों को मैंने जो है इनवाइट किया था, वो इसलिए कि वो आकर जो है इस कैंप में शरीक हो और हमारी हिम्मत अफजाई करें, लेकिन जो है उनकी बिजी शेड्यूल की वजह से कुछ लोग नहीं आ सके। जो आ सके, जो यहाँ पे आए थे हमारे मैसूर नगर निगम के वार्ड 33 के कॉर्पोरेटर बशीर साहब का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। उनके बर्थडे के जो भी बिजी शेड्यूल की बिजी शेड्यूल रहने की वजह से भी जो है वो यहाँ पे आए थे। मैं और जेडमार्क के जुबैर साहब का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जो है यहाँ पे आके जो है हमारी हिम्मत अफजाई की। और SDPI के वार्ड 14 के प्रेसिडेंट इब्राहिम पठान का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पे आके हमारी हिम्मत अफजाई की। और साथ साथ में जो है SA लॉज के और SA लेआउट के मालिक जो सैयद यूनुस हैं, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है यहाँ पे आके हमारी हिम्मत अफजाई की। और सैयद उमर का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है यहाँ पे आके हमारी हिम्मत अफजाई की। और कल से जो है यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमारे शौकत जो है मेरे साथ खंधे पे खंधा मिलाकर जो है यहाँ पे जुड़े हुए थे, मेरे इस काम में जो है बेहद उन्होंने हमारा साथ दिया है, मैं उनका भी खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। और साथ साथ में हमारे मर्चेंट साहब का, हमारे फयाज साहब का, हमारे डॉक्टर साहब का, मेरे क्लासमेट कुमार स्वामी का और इन तमाम लोगों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और गौरम्मा भी जो है एक फील्ड वर्क करके हुए जो है यहाँ पे लोगों को लाने का एक काम किया, मैं उनका भी जो है मैं बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। और सबसे खुसूसी बात यह है कि केयर हॉस्पिटल की जो डिस्ट्रिक्ट के मोबाइल यूनिट की जो वैन है वो जो है हमारे यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के एक फोन पर जो है वो डेट देती है। मैं मंजुनाथ सर का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, यूनिक डायग्नोस्टिक वाले दानिश साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह आगे भी हमें बहुत सारी कैंप करनी है, मैं तमाम लोगों का ताउन जो है इसी तरह चाहता हूँ। यह कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सर 1992 से जो है मैंने लाला मियां तालीम के पास 6 जनवरी को पहली बार जो है एक ब्लड ग्रुपिंग कैंप किया था और वो पहला ब्लड ग्रुपिंग जो स्टार्ट किए थे वो उस वक्त के मंडी मोहल्ला के सर्कल इंस्पेक्टर गणेश साहब का था, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। बस हमारा जो काम है ये कोई पॉलिटिकल वजह नहीं है, या जितने भी लोग खड़े हैं इनकी कोई पॉलिटिकल वजह नहीं है, बस खिदमत करना है, लोगों की दुआ हासिल करनी है ताकि हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी हो। सर ऐसी कोई घटना जो आपसे गुजरी हो? सर कोई एक अच्छा काम करने जाता है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कहीं कानूनी तौर पर भी बहुत सारी चीजें देखकर करनी पड़ती हैं, प्रोटोकॉल जो है वो भी जो है बाकायदा निभाना पड़ता है। ऐसी तो कोई घटना नहीं है, बस एक नेक काम के तरफ जो भी आदमी, हम लोग ही नहीं, जो भी नेक काम की तरफ जाता है अगर उसके पास मुश्किल आई भी तो जो है ऊपर वाला उसे रास्ते जो है खोल के आसान कर देता है। सर ऐसी खुशी के बारे में? खुशी की इंतहा नहीं है, सबसे पहली खुशी जो है ऐसे नाचीजों को अल्लाह ताला ने जो है खिदमत करने के लिए चुना है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। ये एहसान लोग समझते हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं, बट ये जो अल्लाह हम पर जो एहसान किया है उसके बंदों में से हमें लेकर जो है उसकी खिदमत कर, उनके बंदों की खिदमत करने का, ये हमें मरते दम तक भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते। सर ऐसा कोई पेशेंट ऐसा जो आप खिदमत किए हैं वो जो आपको रब्ता कर आपसे खुशी का इजहार किया है वो? सर ऐसे तो तमाम लोग जो है शुक्रिया अदा कर जाते हैं, अगर जबान से नहीं हुआ तो भी जो है उनकी जो दिल से रहता है वो जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अजर है वो चीज। आपके साथ जुड़ने के लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? मेरे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, एक अच्छे काम के लिए जो है वो कोई भी कहां भी अच्छा काम हो रहा है तो वहां जाकर जुड़े,
वो वेकअप इंडिया से जुड़ना चाहता है, वो यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ना चाहता है या किसी और संस्था से जुड़ना चाहता है, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये होना चाहिए कि आगे वाले को जो है हम लोग फायदा पहुंचा सके। वो हमें फायदा पहुंचा रहा है या नहीं ये फर्ज नहीं है, हम लोग क्या फायदा पहुंचा रहे हैं इस दुनिया में आकर दूसरे लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर नेक्स्ट कैंप हमें कब मिलेगा देखने के लिए? इंशाल्लाह जो है आज तो यहाँ पे कैंप हुआ, ये कैंप के लिए जो है मैं यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे फयाज साहब और मर्चेंट साहब से बहुत दिनों पहले डेट लेने के लिए कहा था। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, आज की जो कैंप थी वो दूसरी जगह थी, उसके बावजूद जो है ये दोनों जो है जाकर जो है यहाँ की तारीख मुकर्रर की और यहाँ पे जो है हमें करने का मौका था फरमाया है। तो इंशाल्लाह अगली कैंप मेरी जो होगी वो फिर इसी तरह एक थायराइड की ये सब होगी, उसके साथ में आज जो रिक्वायरमेंट हमें यहाँ मिला जनरल हेल्थ चेकअप का बहुत सारा रिक्वायरमेंट मिला है। इंशाल्लाह हमें कोशिश करेंगे कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, एक गायनेकोलॉजिस्ट हो, एक डेंटिस्ट हो, एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो, एक जनरल फिजिशियन हो, इस तरीके का हम लोग जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप लोगों का अगर हमारे साथ इसी तरीके का ताउन रहा तो इंशाल्लाह वो भी हम कर दिखाएंगे। थैंक यू। यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट आगे के वी न्यूज कड़ी नम के हास्पिटल कणीन मोबाइल कणीन यूनिट उचित कणीन तपासण शिबिर ऐर्पड़े शिबीर नम ए शांति नगर इबू ऐरिया ऐरिया जन उपयोग पड़कु ना प्रति क्या कड़कू अरेंजाता ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಚೆಕಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸರ್ಜರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆ ಆರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 149ನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ 149ನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತೇವೆ, ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಈ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 150ನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 4ನೇ ತಾರೀಕಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಕೆ ಸಾತ್ ವೇಕಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಔರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆವಿ ನ್ಯೂಸ್ जनाब मुद्दसर अहमद के साथ हम लोग इससे पहले भी कई कैंप कर चुके हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है. बहुत सारे ज़रूरतमंद ख्वातीन हजरात इसका फ़ायदा उठाए और इस बार भी हम लोग हमारी तरफ से 149वीं कैंप 149 कैंप जो है आज यहां पर मुनक़िद हो रही है. इसके लिए वेकअप इंडिया और केवी मीडिया न्यूज़ का बहुत बड़ा हमारे साथ ताउन है और इस ताउन के ज़रिए से आज हम ये कैंप यहाँ पर चला रहे हैं ताकि ये अतराफ़ के जो एरिए हैं जैसा शांतिनगर, गौसिया नगर, कैतनली वगैरह जो बैकवर्ड एरिए हैं यहाँ के लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमारी कैंप ही एक ऐसी है जो मुफ्त इलाज करती है. सिर्फ स्क्रीनिंग कैंप ही नहीं होती बल्कि चेकअप की कैंप ही नहीं होती बल्कि ऑपरेशन भी मुफ्त होता है यहाँ पर. इस वजह से लोग क्या होता है ज़्यादातर हमें अप्रोच करते हैं और ये कैंप जो है मुसलसल चलती रहती है. सर आपके कैंप में अब तक कितने कैटरेक्ट्स डाले हैं? तकरीबन 2500 कैटरेक्ट जो है मुफ्त होकर हैं, क्योंकि एक कैटरेक्ट अगर ये बाहर कराने जाएंगे तो तकरीबन 20,000 रुपये से कम वो 50-60,000 रुपये तक का होता है अगर प्राइवेट में कराने जाएंगे तो. इस वजह से यहाँ हमारी कैंप में जो है ये बिल्कुल मुफ्त इसका इंतज़ाम होता है और मरीज़ को जो है हम खुद यहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल से वापस हम लोग
फिर इसी जगह पर कैंप के मकाम पर ही लाकर छोड़ दिया जाता है। इससे मरीज को बहुत फायदा होता है और आज तक तकरीबन 15 साल गुजर गए, एक कंप्लेंट भी हमारे तरफ से नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमें कैटरेक्ट ऑपरेशन कराए तो बहुत अच्छा कामयाब हुए। जो मरीज इलाज कराकर जा रहे हैं वो आपको क्या प्रूफ कर रहे हैं? वो हमारा शुक्रिया अदा करते हैं और दुआएं करके जाते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे इदारे को से यही दरख्वास्त करते हैं कि हम तो कुछ नहीं लेते, सिर्फ आपकी खिदमत के लिए इदारा ये काम करता है, बस आपकी दुआएं में हमें याद रखिए करके हम गुजारिश करते हैं। आज तक एक भी कुछ कोई हादसा होकर नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह एक भी हादसा होकर नहीं, क्योंकि 149वीं कैंप चल रही है जिससे हजारों लोग फायदा उठा चुके हैं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, क्योंकि हम जिस जगह ऑपरेशन वगैरह कराते हैं, ये चेकअप कराते हैं केयर हॉस्पिटल के ताउन से, केयर आई हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट मोबाइल यूनिट के ताउन से, यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं खास करके इसके, और एक से चार प्रोफेसर वहाँ पे रहते हैं, इस वजह से ये बहुत कामयाब ऑपरेशन होते हैं। हमारी अपील यही है कि तमाम अवाम से जो बगैर बिला मजहब व तफरीक के जो भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, सब इसका फ़ायदा उठाएं ताकि आंख जो है बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह ताला की, इसकी हिफाजत करना हम सबका फ़र्ज बनता है, क्योंकि सारे जिस्म में अगर आंख ही ना हो, अगर रोशनी ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सब होने के बावजूद भी। इस वजह से हम गुजारिश करते हैं कि आँख के इलाज के लिए लापरवाही ना करें और जहाँ भी जब भी कैंप हो कैंप वालों से ताल्लुकात करें और उनसे कंसल्ट करके आप इस इलाज करवा लें। यही हमारी ये अवाम में बेदार लाने की वजह से ही अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना हमारा मकसद है।